स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाएंगे क्लास में फटाफट, जल्दी से जल्दी क्लास आपकी स्टार्ट है। बता दें आपको, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करी है क्लास को, बिल्कुल शुरू से। तो सभी को आना है क्लास में, फटाफट आ जाइएगा जल्दी से जल्दी, फिर क्लास को स्टार्ट किया। इसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी और वन लाइनर, सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसी क्लास में। तो आ जाइएगा सभी लोग फटाफट क्लास में, ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग क्लास को भी, फटाफट सभी लोग शेयर कर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कबीरदास किस विचारधारा के कवि थे, आपसे ये पूछा है। तो दिया गया है कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रधान कवि थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। जो कबीरदास जी थे इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो दिया गया है कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में 1455 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया, कबीर दास का पालन पोषण किसने किया। ऑप्शन आपका क्वेश्चन दिया गया है, कबीरदास जी जन्म से ब्राह्मण थे, मगर उनका लालन पालन नीमा और नीरू नामक जुल्हा द्वारा किया गया। जो नीमा और नीरू थे, जो जुल्हा थे, उनके द्वारा करा गया था कबीरदास जी का लालन पालन। और ये कबीरदास जी जो आपके थे, ये कौन से थे, किस धर्म से थे, तो ये ब्राह्मण थे, ठीक है, याद रखे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था। तो जो कबीरदास जी थे इनके गुरु का नाम महात्मा रामानंद जी था। कौन थे, महात्मा रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे, आपको ये भी याद रखना है सभी को। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शेयर कर दो भाई, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, तो सभी को शेयर करना है क्लास को, ठीक है। सिर्फ आज पढ़ेंगे, ओनली फॉर, बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन दिया गया, कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या था। दिया गया कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा कमला, और कमली दो क्या थी, संतानें थी। जो कबीरदास जी थे इनकी पत्नी का नाम तो लोई था, और दो इनकी संतानें थी, कमला और कमली, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कबीरदास की काव्य कृतियों का वर्णन कीजिए। दिया गया है कबीरदास जी का काव्य संग्रह बीजक है, इनके तीन भाग हैं, साकी शब्द और रमायणी। कबीरदास जी के क्या कहा गया, इनके तीन भाग हैं काव्य संग्रह है, जिसके कितने, तीन भाग हैं, साकी शब्द रमायणी, सभी को याद रखनी है। अगला आपका दिया गया सूरदास, सूरदास जी काव्य कृतियों के नाम बताएं। सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम बताएं, आपसे ये कहा। तो तीन हैं सूरदास जी की, कौन कौन सी, एक सूरसागर, एक सूरसारावली और एक साहित्य लहरी। कौन कौन सी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की काव्य कृतियाँ प्रमुख हैं। अगला दिया गया, तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या था, आपसे ये पूछा गया है। तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जो तुलसीदास जी थे इनके माता का नाम क्या था, हुलसी, और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन पॉइंट अगला दिया गया, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, क्या पूछा गया। तुलसीदास जी के जो गुरु थे उनका नाम बताना है। तो जो तुलसीदास जी के गुरु थे, स्वामी नरहरिदास जी तुलसीदास जी के गुरु थे। अगला दिया गया, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था। जो तुलसीदास जी की पत्नी है इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो दिया गया, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, जिसके प्यार में ये बहुत अंधे हो गए थे तुलसीदास जी। तब इनकी पत्नी ने कहा था कि लाज ना आए आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। और तुलसीदास जी ने इन्हीं वर्णों को, ठीक है, दिमाग और दिल में रख करके वहाँ से अपने ससुराल से वापस चले आए, और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। आपने सुना तो होगा, है ना, एक बार ससुराल चले गए थे नंगे पैर पत्नी की पीछे पीछे। अगला दिया गया, तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताएं।
दिया गया। तुलसीदास जी के द्वारा जी ने अयोध्या में रहकर लगभग 2.5 वर्ष में रामचरित मानस महाकाव्य की रचना की। किसकी? अब देखो क्वेश्चन आता है महाकाव्य, जैसे भारत का आप पूछा सबसे बड़ा महाकाव्य तो ये महाभारत होता है, लेकिन अगर हिंदी में आपके क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको महाभारत भी मिलेगा, ठीक है, रामचरित मानस भी मिलेगा, तो वहाँ पर आपको जो आंसर लगाना होगा वो रामचरित मानस ही लगाना होगा। क्या लगाना होगा? रामचरित मानस ही लगाना होगा, ना कि महाभारत, ठीक है, याद रखना। सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज भाई क्लास को पहले तो पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में बिल्कुल भी नहीं होंगी, पहले भी बता चुके हैं। और सभी लोग शेयर कर दो क्लास को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें सब कुछ मिलने वाला है, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, वन लाइनर, जो कुछ भी है सब मिलेगा। अगला दिया गया, तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी थी? तो तुलसीदास जी की रचनाएं 31 बताई जाती हैं, किंतु प्रमाणित रूप से कुल 12 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 12, जिनको हम लोग पढ़ा है, हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, बोलते ना उपनिषद कितने होते हैं, उपनिषद कितने हैं, बोलते तो हैं 108, लेकिन पूछा जाए प्रमाणित उपनिषद कितने हैं तो आपके 12 ही हैं, ठीक है, जितनी इनकी रचनाएं हैं, क्योंकि 12 उपनिषदों को तो पढ़ा है, जिसे वेदांग के नाम से जानते हैं, वेदांग उपनिषद को किसके नाम से जानते हैं, वेदांग के नाम से जानते हैं, है ना, ठीक है, उसी प्रकार। अगला आपका दिया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रबंध काव्य लिखिए। तो रामचरित मानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू, ये तुलसीदास के द्वारा रचित प्रबंध महाकाव्य हैं, प्रबंध काव्य हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया है, तुलसी कृत मुक्तक काव्य लिखिए। तो कवितावली, दोहावली, भैरव रामायण, बैराग संदीपनी, रामाज्ञा, वरुणावली, हनुमान, बहुक मुक्तक काव्य हैं। ये क्या है? यानी कि तुलसी कृत मुक्तक काव्य है। अगला दिया गया आपका, तुलसी कृत गीति के काव्य बताइए। तो तुलसीकृत गीति काव्यों में गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका प्रमुख है। कौन कौन से? कृष्ण गीतावली आपका दिया गया, विनय पत्रिका दिया गया है, और गीतावली दिया गया है, ठीक है। अगला आपका दिया गया, बिहारी जी किस काव्यधारा के कवि हैं? आपसे क्या कहा, जो बिहारी जी हैं ये किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिकालीन काव्यधारा के कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कौन? बिहारी जी। अगला आपका क्या दिया गया, देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिहारी जी का जन्म 1603 ग्वालियर मध्य प्रदेश में बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। जो बिहारी जी थे इनका जन्म 1603 ग्वालियर मध्य प्रदेश के बसुआ गोविंदपुर नामक एक गांव में हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बिहारी जी के गुरु कौन थे? तो जो बिहारी जी के गुरु थे वो लाला नरहरिदास जी थे। कौन थे? नरहरिदास जी बिहारी जी के गुरु थे। अगला दिया गया है, बिहारी जी का निधन हुआ। तो बिहारी जी का निधन सन 1663 में इनका निधन हो गया। 1663 ईस्वी में क्या हुआ था? बिहारी जी का निधन हो गया, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। क्या कहा गया? बिहारी जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। दिया गया बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। कौन सा? बिहारी सतसई, जिसमें आपके कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं, 719 दोहे हैं, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला आपका क्या दिया गया? दिया गया है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दिया गया, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। 1886 में झांसी के एक जिले पड़ता है, झांसी में, झांसी जिले में एक गांव पड़ता है चिरगांव, वहाँ पर बिहारी जी का जन्म, सॉरी मैथिली जी का जन्म हुआ था। दिया गया, मैथिली शरण गुप्त का निधन हुआ। तो 1964 में गुप्त जी का निधन हो गया। दिया गया, राष्ट्रकवि होने का गौरव गुप्त जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? तो दिया गया, गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर गुप्त जी ने जेल की यात्रा की, ठीक है,
आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में के डीएलएड की उपाधि प्राप्त की तथा सबको भारत का प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, सभी लोग याद रखें। आगे आपका दिया गया राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताएं। तो क्या है रचित महाकाव्य, इनका साकेत है मैथिली शरण गुप्त। आपसे महाकाव्य पूछा है, रचित महाकाव्य का नाम बताना है, मैथिली शरण गुप्त यानी कि साकेत। ठीक है, ये इनका महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योध का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो 1865 में आजमगढ़ जिले की निजामाबाद स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य पर उपाध्याय जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को प्रिय प्रवास महाकाव्य के उपलक्ष में। अगला दिया गया है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी में हुआ था। इनकी अगर बात करें मुख्य व्यवसाय की जयशंकर प्रसाद जी का, तो तम्बाकू का जो व्यवसाय था इनका मुख्य व्यवसाय था। इनकी मृत्यु क्षय रोग होने के कारण हुई थी। किस रोग के कारण इनकी मृत्यु हुई थी? क्षय रोग होने के कारण। इनका जो जीवन था बड़े ही कष्टों में व्यतीत हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। अगला आगे आपका दिया गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी के उपन्यास कहानी रेखा चित्र नाटक जीवनी तथा निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी बांग्ला तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया गया। आगे दिया गया, महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों का नाम लिखिए। तो दिया गया निहार रसिम नीरजा संध्या गीत यामा तथा दीपशिखा प्रमुख कविता संग्रह हैं। किसके? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गाँव में हुआ था, यानी कि गाँव में हुआ था। पूछा जाए अर्धनारीश्वरी उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका ओंकार, रामधारी सिंह दिनकर, ये क्या इनकी रचनाएं हैं। दिया गया, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग भाई एक बार शेयर कर देंगे क्लास को फटाफट, जितने भी लोग क्लास में फटाफट शेयर कर देंगे। और पहले तो कंटेंट को पढ़ना है अच्छी तरीके से, ठीक है, बातें बिल्कुल भी नहीं करिएगा, सभी लोग आराम से पढ़िएगा। दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि। अगला दिया गया, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो दिया गया, वाजपेयी जी की रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, बहुलकोलिक रचना, संपादिक रचना या संकलित रचना। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है, भौगोलिक, संकेतिक और एक संपादित। सभी लोग याद रखेंगे, सॉरी भौतिक है, भौगोलिक नहीं, ठीक है। आगे आपका दिया गया, डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो डॉक्टर नागेंद्र का जन्म 1915 में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। डॉक्टर नागेंद्र जी का जन्म 1519 ईस्वी में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी अगला दिया गया, शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझा शब्द। तो दिया गया, रचना की यानी शब्द की रचना वर्णों से होती है, शब्द में वर्णों तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सार्थक शब्द होता है, एक निरार्थक होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा रूढ़ और योगरूढ़, सार्थक और निरार्थक, ठीक है, ये भी अभी बताएंगे आपको। दिया गया, शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। तो अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से। तो कितने प्रकार से हो गया आपका? 4 प्रकार से, ठीक है। आगे आपका दिया गया, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो दिया गया, जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यथा
या जैसे दिया गया यथा आम साधारण मामूली एक फल विशेष, ठीक है सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, दिया गया है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो दिया गया है आपका जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका दिया गया है यहाँ पे आकाश यानी कि गगन बोलेंगे, अंबर व्योम हो जाएगा, नभ आदि, ठीक है यथा यानी आकाश की क्या क्या होता है गगन भी बोलेंगे, अंबर नभ व्योम, ये सब किसके पर्यायवाची हैं आकाश के हैं। अगला दिया गया विलोम या विपार्थिक शब्द किसे कहते हैं, दिया गया विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपार्थिक या विपरीतक शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत को क्या बोलेंगे अमृत का विष होता है, स्वर्ग को नरक बोलेंगे सत्य हो जाएगा असत्य, यानी कि विपरीत प्रकट करें जो अर्थ वो क्या होते हैं आपके विलोम शब्द होते हैं, ठीक है याद रखें सभी लोग। आगे आपका क्या दिया गया, दिया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है समझाइए। तो आपका दिया गया भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द प्रयोग कहते हैं करते हैं। जैसे आपने कहा ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है आस्तिक, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आपसे कहा गया है भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला दिया गया है प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार से होते हैं, एक आपका विकारी और एक आपका अविकारी। क्या होता है विकारी और अविकारिक होता है। देखो भाई जिस किसी ने अभी तक हमारी क्लास को लाइक ना किया लाइक करिएगा, शेयर ना किया शेयर करिएगा, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल दिया गया है आपका प्रूफ का। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर ले, हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है सभी को करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, क्वेश्चन आपका दिया गया है मुहावरों से आपका क्या अभिप्राय है। तो दिया गया किसी सूक्ष्म भाव को या विचार को प्रकट करने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चुस्ती आ जाती है, क्या आती है चुस्ती आ जाती है। अगला दिया गया जैसे आपका दिया गया आवाज़ उठाना, मुहावरे का अर्थ बताना है एवं प्रयोग करना है, तो आवाज़ उठाना क्या होता है मुहावरा हो गया, ठीक है यानी कि अर्थ पूछा जाए तो किसी का विरोध करना आवाज़ उठाना, और प्रयोग की यहाँ पे बात करने का भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज़ उठाना समाज के हित में होता है, ये आपका क्या हो जाएगा प्रयोग हो जाएगा। अगला दिया गया स्वतंत्र लेखन से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए, आपसे क्या कहा गया स्वतंत्र लेखन से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। तो आपका क्या दिया गया है स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय किसी पूर्वग्रह अथवा वैमन से मुक्त होकर लिखित अभिव्यक्ति करना स्वतंत्र लेखन है, ठीक है क्या है स्वतंत्र लेखन है सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं, क्या कहा गया है राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं। तो दिया गया है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अध्यापक दिवस, बाल दिवस, नेताओं की जयंतियां, दार्शनिक तथा सामाजिक सुधारों का की जयंती आदि राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। अगला दिया गया क्रिया के रूप, तो क्रिया के 8 रूप होते हैं, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान है ना, सारे पढ़े होंगे कितने होते हैं 8 होते हैं, किसी किसी ने 9 भी पढ़ा होगा। दिया गया कालों का विभाजन कीजिए, काल मुख्य रूप से 3 हैं, तो काल आपका भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल, क्या क्या होते हैं भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यकाल कालावे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है सभी लोगों को याद रखना है। फिर भाई ये हमारा चैनल दिया गया प्रयोग का, ठीक है जिस किसी ने लाइक ना किया लाइक करिए, शेयर ना किया और शेयर करिए, कमेंट ना किया तो कमेंट भी करिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूरी करना है, ठीक है सभी लोग। आगे आपका क्या दिया गया देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पे कुछ कालों के आपके प्रकार भी दिए गए, इनको एक बार ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है जैसे आपका दिया गया क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे काल के भेद 3 है, फर्स्ट है आपका वर्तमान, सेकंड आपका भूत, और डी आपका थर्ड आपका दिया गया भविष्य। भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया 6 भागों में, भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया 6 भागों में, सॉरी वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा गया
छह भागों में, और भूतकाल को भी आपके छह भागों में बांटा गया, बताया भविष्य काल इसे आपने चार भागों में बांटा गया। तो ऐसे याद रखना है, आपसे पूछा जाए किसी को चार भागों में बांटा गया तो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, भविष्य काल, जिसे हम चार भागों में बांटे हैं और सबको छः छः भागों में। वर्तमान काल में बात करेंगे सामान्य, पूर्ण, तत्कालिक, अपूर्ण, संदिग्ध, संभव और पूर्ण सतत, इन भागों में बांटते हैं। भूतकाल में बात करेंगे तो सामान्य, असन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध या हेतु हेतु मत, बोल दो ना, सामान्य भूतकाल, असन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत। ठीक उसी प्रकार दिया गया सामान्य, समवय, सत्यबोध या हेतु हेतु मत, ये सब क्या है, इनके पार्ट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका दिया गया मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, तो दिया गया जिस वाक्य में एक उपवाक तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। आगे आपका दिया गया देश शब्द को उदाहरण सहित समझा, क्या किया गया, देशज शब्द को उदाहरण सहित समझाएं। तो आपका दिया गया जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों से अगर व्यवहार या प्रचलन में है उन्हें देशज का शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, मुकुट, हवा आदि, ठीक है, ये आपके कैसे हैं? आपके देशज शब्द हैं। आगे आपका दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अभी देखो इनके सब सारे लोगों के हमने लोगों ने क्या पढ़े थे, जन्म स्थलों के बारे में पढ़ा था, जन्म के बारे में पढ़ा था, अब इनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़े, है ना। तो नंबर फर्स्ट आपका क्या दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसको देखेंगे। दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर जायसी, ग्रंथावली, नगरी प्रचारणी, तुलसीदास, 11 वर्ष का समय, सूरदास त्रिवेणी चिंतामणि, ये सूरदास जी की प्रमुख, सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचना है। सूरदास जी की रचनाओं की बात करेंगे तो तीन ही हैं, सूर सागर, सूर शालावली और साहित्य लहरी, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए दिया गया आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो दिया गया भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, कवि वचन सुधा, मुद्रा राक्षस, भारत भारती, सॉरी भारत भानोति, वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हरिश्चंद्र वाटिका या कश्मीर कुसुम, ये सारी की सारी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित रचनाएं हैं, सभी लोग याद। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिए नहीं, जिस किसी ने अभी तक क्लास को शेयर ना किया हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी सभी लोग, ठीक है। अगला दिया गया माचिस सरल गुप्त की रचना है, दिया गया पंचवटी, चंद्रहास प्रिय, परिवार साप्रिय, साकेत हिंदू, राष्ट्रकुल किसान, यशोधरा, भारत भारती, ये किसकी है, आपकी राम मैत्री सरल गुप्त जी की हैं, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचनाएं, तो आपका दिया गया वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, महाकाव्य, अदगिला फूल, रुक्मणि, रसकलश, ये किसकी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचनाएं हो जाएंगी। आगे आपका क्या दिया गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, विचार विमर्श, अद्भुत अलाप, रघुवंश, कुसुम संभव, शिक्षा, स्वार्थालिता, ठीक है। इसके बाद दिया गया प्रेमचंद की रचनाएं, नमक का दरोगा, गवन गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, समस्त सरोज, क्या क्या, नमक का दरोगा, गवन गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सप्त सरोज। अगला दिया गया रामदारी सिंह दिनकर की रचनाएं, अर्धनारीश्वर, मेरी यात्राएं, रसिम लोग, उर्वती, हारे को हरिनाम, कुरुक्षेत्र, रेणुका हुंकार, ये सब किसकी रचनाएं हैं, रामधारी सिंह दिनकर की हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आगे आपका दिया गया प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं, तो भारत दुर्दशा, हट्टी, हमीर, शकुंतला और कलिकौतु, ये सब किसकी रचनाएं हैं बताओ भाई, तो ये आपकी प्रताप नारायण मिश्र की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया,
यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुव सामनी कामानी आंसू लहर तितली प्रेमपति कंकाल आदि चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजातशत्रु ये जयशंकर प्रसाद की क्या थी प्रमुख रचनाएं थी सभी लोग ये आ गए ठीक है। अगला क्या दिया गया, दिया गया आपका सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सभी को बताना है सुमित्रा नंदन पंत। तो दिया गया है आपका यदुपथ यगवाड़ी बीड़ा ग्रंथ गुंजन युगांत ज्योतिषना ये सब किसकी हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। आगे आपका दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका जूही की कली अप्सरा प्रभावती निरुपमा गीतिका इत्यादि ठीक है। ये सारी की सारी रचनाएं हैं सभी लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया सद्रा में हिरण बादशाह नग यानी अच्छे की संरचनाएं। तो नदी के द्वीप पहले में सन्नाटा बुनता स्मृति रेखा रेखाएं शेखर उत्तर प्रियदर्शी समुद्र सागर समुद्र ठीक है। ये इनकी सज्जानंद हीरानंद वासन लगे जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला आपका क्या दिया गया है, दिया गया है महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र दीप शिकार अबला और सबला निहारा निहार पद के साथी ठीक है। आगे आपका दिया गया है हरवंद राय बच्चन की रचना तो क्या भूलूंगा याद करूँ कुछ बिसरे पन्ने ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है क्या 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 भूलूँ क्या याद करूँ हरवंत राय बच्चन की है मधुवाला बसेरे से दूर नीड़ होना चाहिए नोड़ नहीं होना चाहिए ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर मधुशाला। आगे आपका क्या दिया गया है, दिया गया सूरदास की रचना सूर सागर सुर सारावली सहतलहरी हमने आपको बताया था तीन है सूर सागर सुर सारावली और सहतलहरी ठीक है। अगला क्या दिया गया है देखिएगा शब्द किसे कहते हैं। देखो अभी हम एक बार ऊपर शब्द को पढ़ के आए थे जिसमें हमने सार्थक और निरार्थक दो पढ़े थे फिर थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था तो वही आपका क्लास रुक गया था पता नहीं क्यों आवाज़ भी बिल्कुल नहीं जा रही थी ठीक है। हम बोल रहे थे पर आवाज़ नहीं जा रही थी और ये पंखे की आवाज़ रिकॉर्डिंग से हो रही थी है ना। हाँ तो ये दिया गया शब्द किसे कहते थे तो आपको हमने बताया एक सार्थक होता है एक निरार्थक होता है। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका क्रम और ध्वनि निश्चित होती है तथा अनिश्चित क्रम उनका होता है और तथा निरार्थक शब्द वे होते हैं जिनका क्रम और ध्वनि अनिश्चित होती है ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे राम दिया गया था, दिया गया आपका संसार के सभी व्यवहार शब्द ज्ञान और उसके शुद्ध प्रयोग से होते हैं। शब्द की रचना वर्णों से होती है जैसे आपका राम यहाँ पे लिखा है ठीक है। प्रत्येक वर्ण को खंड खंड करके लिखा गया है। आगे आपके दिए गए उदाहरण ठीक है, दिया गया है वर्णों का निश्चित क्रम क्या होता है आपका सार्थक समूह और वर्णों का अनिश्चित क्रम क्या होता है निरार्थक समूह ठीक है। जैसे आपने रूढ़ पढ़ा था थोड़ी रूढ़ नहीं होता ये निरार्थक सार्थक अलग होता है ठीक है। ठीक है सार्थक समूह क्या होता है निश्चित समूह और निरार्थक क्या होता है अनिश्चित समूह। तो निश्चित समूह में बालक दिया गया था बालक को खंड करके लिखा गया है ठीक है और अनिश्चित समूह को बालक को लबका लिखा गया और लबके को गलत तरीके से यहाँ पे क्रमबद्ध किया गया है। तो ये क्या ये अनिश्चित समूह है जिसका क्रमबद्ध नहीं है ठीक है तो निरार्थक हो जाएगा। आगे आपका दिया गया वर्णों का ऐसा मेल जिनका सार्थक अर्थ निकालता है शब्द कहलाता है। जिस ध्वनि समूह का कोई अर्थ ना हो उसे हम शब्द को क्या बोलेंगे निरार्थक बोलते हैं ठीक है।
नहीं कहा जा सकता। उपयुक्त तो उदाहरण जैसे बालक का उल्टा लबका लिखा है, इस शब्द नहीं कह सकता है, इसे शब्द को शब्द नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ना ही इसका निश्चित क्रम है और ना ही इसका अर्थ निकलता। अब लबका का कोई अर्थ निकल रहा नहीं निकल रहा क्योंकि बालक से लबका हमने उल्टा बना दिया। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे भाई, एक बार शेयर कर दो सभी लोग क्लास को, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिया गया साधारण, दिया गया साधारणता यानी शब्दों को ही पद कहते हैं, जैसे सूखा, लड़का, घोड़ा आदि। जब सार्थक वर्ण समूह वाक्यांश का भाग लेते हैं तब वे स्वतंत्र शब्द पद कहलाते हैं। किसी भाषा में जितने अधिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भंडार कहते हैं। दिया गया है आपका शब्दों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, तो शब्दों को भेद निम्नलिखित हैं, अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था अर्थ, उत्पत्ति, रचना और वाक्य की, है ना, अभी हम पीछे भी पढ़ के आए थे। तो क्या दिया गया है देखिएगा, दिया गया अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद दो होते हैं, सार्थक और निरार्थक। कितने होते हैं? दो होते हैं। तो दिया गया सार्थक शब्द जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे माता, भाई, पुस्तक, भोजन आदि सार्थक शब्दों को चार भागों में बांटा गया। अब देखो अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए तो दो वर्गों में बांटा गया, एक तो सार्थक, एक निरार्थक। अब सार्थक को भी चार भागों में बांटा गया, कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया। तो नंबर एक वही दिया गया एकार्थी, तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता हो एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे गाय लोहा, सॉरी गाय कमल लोहा इत्यादि। अब एकार्थी शब्द क्या होते हैं आपसे देखो क्या कहा गया, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में हो किया जाता हो उसी को एकार्थी बोलेंगे, और एकार्थी आपका सार्थक शब्द में उच्चारण की दृष्टि से प्रयोग में आता है। आगे दिया गया अनेकार्थी नंबर दो, शब्द जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे फल, आम, विशेष, मामूली, साधारण, हंस, घोड़ा, पक्षी, विशेष, सूर और श्वेत। ये क्या है? अनेक अर्थ, यानी अनेक अर्थ को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अर्थ बदल देते हैं। दिया गया है समानार्थी या पर्यायवाची, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि के पर्यायवाची अनल, अग्नि, आग, जहन, ज्वाला, संताप, अनल, पावक। ये सब क्या है? आग के पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, थर्ड और नंबर चार आपका दिया गया विलोम या विपार्थक शब्द। दिया गया विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले विपरीतक या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे अमृत को विष बोलते हैं, पिछला सुलभ होता है, है ना, सामासिक दुर्लभ होता है, अंधकार प्रकाश, अच्छा खराब, अधिक कम, अंदर बाहर, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य, आकाश पाताल, आदर निरादर, उदय अस्त, उन्नति अवनति और जंगली का आपको बताना है। ठीक है, जंगली का आपको बताना है कमेंट में क्या हो जाएगा। आगे चलें, नंबर फोर्थ आपका दिया गया संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। दिया गया शब्द हिंदी भाषा में अनेक शब्द देखने को मिलते हैं जो प्रायः सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है यदि उनके उच्चारण में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए और लिखने में वही त्रुटि दोबारा हो जाए तो अर्थ क्या है? अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्नता पाई जाती है संस्कृत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो भाई आज की क्लास रखेंगे इतनी ही और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और जिस किसी ने क्लास को लाइक ना किया हो तो लाइक करिएगा, शेयर ना किया हो तो भाई शेयर भी करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और चैनल दिया गया प्रूफ करके नाम से। तो जितने भी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, सब सभी को भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।
मिलेंगे फिर भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसीलिए क्लास को जल्दी से कवर करेंगे। चलते हैं फिर भाई, अगले दिन फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।